बीजेपी आई पड़ी है, तीसरी बार इसी की सरकार है, तीसरी 400 के भी पार है, 400 के पार है। अखिलेश भाई साहब देख रहे होंगे आपकी वीडियो, वो क्या सोचेंगे? फिर सोचने तो अखिलेश भाई को, अखिलेश भाई भी सोचेंगे, अखिलेश भाई अगर ये काम करते तो फिर ये नौबत थोड़े नहीं आती जो था। इसके अखिलेश से नाराज क्या है, इसलिए है भाई काम नहीं दिखा, लैपटॉप बांट के दिखा दे, लैपटॉप तो क्या करना था हमें। अब योगी जी है देखो कितना धड़ाके से काम हो रहा है, सारा काम बेहतरीन हो रहा है, क्या गुंडागर्दी नहीं है। इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो दुआ करूंगा ऊपर वाले से भी। अच्छा हाँ जी, तो अखिलेश कहाँ जाएगा भाई, क्या नाम होगा भाई साहब? भाई मोहम्मद अनस है भाई, पर एक बात जरूर है, बीजेपी ना काम बहुत करे भाई, काम करवाए अनलिमिटेड काम करा दिए भाई। कहाँ करवा दिया भाई साहब? अरे क्या नहीं कराया नु बताओ, महंगाई देख रहे हैं। अरे ये तो कहने की बात है, ये तो चलता ही रहा है, लेकिन काम कराए, जमीनी देखो एक से एक रोड बनवा दिए यहाँ से। हाँ तो रोड ही तो बने हैं भाई साहब, और क्या हुआ? अपने इस एरिया में सबसे बेहतरीन काम करवाया। अच्छा आने वाला समय देखियो तुम तो बीजेपी ने काम करवाए हैं। हाँ बहुत काम करा दिए। तो महंगाई नहीं दिखती भाई साहब? अरे नहीं महंगाई कौन कह रहा, महंगाई है, किसान परेशान, मजदूर परेशान। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, खुशहाली है वैसे। तो भाई साहब आंदोलन कर रहे हैं दोबारा से, फिर जा रहे हैं किसान? मैटर है भाई, वो किसान अपना हक तो मांगेगा ही, वो किसानों का हक है। फिर आप फिर भी बढ़िया बता रहे हैं बीजेपी? बीजेपी ने काम कराए भाई, ऐसा नहीं है काम नहीं कराई, नौकरियां तो नहीं दी है। अपोजिट तो खड़े होंगे ही भाई, जब तो काम होगा तभी तो काम आगे होगा। आप युवा हैं, हाँ जी, नौकरियां कितनी लगी है बताइए यहाँ पर इस सरकार में? देखो भाई आने वाला समय चल ही रहा, सरकार आपके लिए नौकरी अब चल रही, अब ये अब जो इसमें नौकरी शुरू। हाँ आने दो, मेरे इंजीनियर कर रहे हैं हम नौकरी का जिगर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, रहने वाला कस्बा थाना भवन का हूँ जी। अब हम कहते हैं मोदी जी हमें नौकरी नहीं दे रहे, अब मोदी जी तो नौकरी हमें जब देंगे ना, जब हम पढ़ेंगे, पढ़े हुए हम होते नहीं ठाक, हम मोदी को दोषी ठहरा देते हैं, कहला मोदी जी दोषी हैं, मैं नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं दिला रहे। मैं कहते हैं बीए एमए किए हुए तो युवा भटक रहे हैं, नौकरियाँ तो है ही नहीं भाई साहब। नौकरी है, अब नौकरी मेरे भाई इतनी नौकरी नहीं मिलेगी 2024 में, बीजेपी ही सरकार बनाने जा रहे हैं हम। आप बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, हम वोट देंगे बीजेपी सरकार को और दिल जान से देंगे जितनी हमारी संगत होगी। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, लोग कहते हैं मुस्लिम का तो वोट आता ही नहीं बीजेपी को। मुस्लिम का वोट तो इतना बीजेपी को, मुस्लिम के लिए तो ये मान के चलो आप बीजेपी ने बहुत कुछ करा है, मुस्लिम के लिए क्या नहीं? मुस्लिम के लिए क्या किया बताइए? मेरे पास मकान नहीं था, सबसे पहले मेरे को मकान मिला है। मकान मिला है? मकान मिला है मेरे को, क्या पता मेरे पास 10 साल मकान ना बनता। राशन कार्ड बने हमारे, बिजली के बिल हमारे, कनेक्शन लगे, सारे काम हमारे अच्छे हुए हैं। रोड मकान भी बना है आपका? हाँ मकान बना है और बिजली का कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना है मेरा। भाई साहब झूठ तो नहीं कह रहे हैं? मेरे घर चलो घर देख लो मेरा, मैं मौजूदा मेंबर हूँ। लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार। वो तो कहने दो, ये देख मुखालिफ पार्टी होती है ये तो बोलती है, ये बोलने का काम होता है पार्टी का। अच्छा ऐसे तो मैं भी कह दूंगा भाई ये काम ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसा करो, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है, और हम नरेंद्र मोदी जी का साथ हैं, वो उनका नसीब है हारना और जीतना। अच्छा हर तरीके से साथ है उनके, हम उनको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी पैसे भी लगाएंगे हम उनके लिए। अच्छा हाँ जी, तो भाई साहब अखिलेश में क्राइम देखो कितना खत्म हो गया यूपी से, क्राइम कितना था यूपी में, गुंडागर्दी कितनी थी यूपी में। तो पहले क्या, पहले की मैं बात करूं अखिलेश की सरकार की या फिर कांग्रेस की सरकार की या फिर मायावती जी की सरकार की, तो कैसे मतलब पहले इतनी गुंडागर्दी कहाँ थी भाई साहब? आप बता रहे हैं पहले गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी थी, रात के टाइम रोड पे भी चल पाते, 2 बजते लगा देते, चक्कू लगा दे, लूट लिए के। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जूते उठा के ले गए थे, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे तो बांध के भी घेर दिया था। अच्छा 2007 की बात है। सही कह रहे हैं भाई साहब? हाँ सही कह रहा हूँ मैं, गलत थोड़े नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी चीज में। और भाई बीजेपी सरकार आनी चाहिए, इस सरकार में दम है। बाकी लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है सरकार, और आप खुद मुस्लिम होकर के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आई पड़ी है, तीसरी बार इसी की सरकार है, तीसरी 400 के भी पार है, 400 के पार है। अखिलेश भाई साहब देख रहे होंगे आपकी वीडियो, वो क्या सोचेंगे? फिर सोचने तो अखिलेश भाई को, अखिलेश भाई भी सोचेंगे, अखिलेश भाई अगर ये काम करते तो फिर ये नौबत थोड़े नहीं आती जो था। अच्छा हाँ
अभी? मैं क्राइम को, गुंडागर्दी को, दादाओं को, इनको सबको रोकते हैं। हाँ, उन्होंने क्यों नहीं रोके? अच्छा, अभी हमारे योगी जी बैठे गंजे साहब मारे। हाँ, बताओ इन्होंने कौन सा कोई गलत काम करा है, सबका ठाकर गंजे ठोक 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 रहे। अच्छा, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि जो गुंडे को मान लीजिए सरकार इनकाउंटर भी कर रही है। हाँ, तो वो हिंदू मुस्लिम देख करके कर रही है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। अगर मैं गुंडा हूँ, दादा हूँ या बदमाश हूँ तो मैं तो देख अपना आप ही फंसूंगा, और मैं ईमानदार और सही आदमी हूँ तो मेरा आप क्या कर लोगे, अगर क्या मेरा सरकार कर लेगी? बिल्कुल, जब मैं सरकार के हित में रहूँगा और अपना अपने फेवर में ठीक काम करूँगा तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं भाई। हाँ, खुश ही हूँ भाई, मैं खुश ही रहूँगा इस पार्टी से। और मुझे टीवी पे दिखाओ, पूरे टीवी पे जितने पे भी दिखाया जा। अच्छा, मस्ती है ये भाई साहब, पूरे खुश है बीजेपी सरकार? सच्चाई है, सच्चाई है भाई, सही है, बिल्कुल राइट भाई। और बताओ आप, मुझे अभी कह रहे थे, कह लगे कि ये बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में हम आरडीएल को नहीं लाएंगे। अब आरडीएल बीजेपी पार्टी में क्यों गई है? क्यों है ये विधायक और एमपी एमएलए जितने भी थे बीजेपी में गए हैं, क्यों गए हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, इनको अलग अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। क्यों ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अब देख रहे हैं ना, इनको तीसरी बार भी बीजेपी सरकार आ रही है। अब कहला पहले सिलेंडर हो रहे इनके सामने। अच्छा, हाँ, ये सिलेंडर हो रहे हैं इनके सामने। अब ये डर के हो रहे हैं या अपने फायदे के लिए हो रहे हैं? ये अपने फायदे के लिए हो रहे हैं, डर के नहीं हो रहे हैं, अपने फायदे के लिए हो रहे हैं। इनको फायदा है इस चीज से। अच्छा, इनको कुछ ना कुछ पद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, काम मिलेगा, ये देखना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलीम टक्कर। सलीम टक्कर जी, काफी खतरनाक बोल रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं मोदी की सरकार को। एक तरफ तो लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। क्या नाम हो गया भाई साहब? अमन है, अमन नायक है जी। मेरा अमन जी, यहीं के रहने वाले? कहीं बाहर से? नहीं, अम्मू से है जी। अच्छा। मुझे से आज हम तो, हमारा तो भाई है, हम तो, हमें पता नहीं लगता हिंदू मुसलमान का। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है ना, कोई झगड़ा है, प्रेम से रहते हम तो भाई। विकास तो हुआ नहीं ना सरकार में? विकास कैसे होगा, विकास क्यों नहीं हो रहा? सड़क हो रही है, यहाँ पर गड्ढे हो रहे थे, सड़क आया, आसमान भरा दे दिया। इतना विकास किसी ने, किस सरकार ने किया जी? इतना विकास किस सरकार ने किया जितना भाई ने करा? भाजपा सरकार ने करा, मोदी ने करा। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, महंगाई की नहीं बात करोगे आप? महंगाई तो पहले भी थी, पहले सस्ता था। पहले क्या सस्ता था बताओ? सिलेंडर 400 का था भाई, 1000 या 1200 का, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। सिलेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम सुरक्षित है ना सब? हिंदू मुस्लिम सभी सुरक्षित है, हमारी हम सेफ्टी है, सेफ है हम तो। हमें सिलेंडर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना साग सब्जी से फसलने वाला। भाई साहब पेट तो भरना होगा ना, किसान भी तो परेशान है भाई साहब। कमाल है, पहले भर रहे थे, अभी भर रहे। हम तो कुछ भी मांग नहीं कर रहे, हम भी गरीब आदमी है, हमने क्या मांग कर रखी बताओ? क्या धरना धर रहे हम हैं? किसान ही परेशान है, हम तो परेशान नहीं है। हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, हमने तो कभी कुछ परेशान नहीं। किसान के लिए भी कुछ ना कुछ ये निकाला जाएगा और करा जाएगा, इसका निर्णय है। ये किसान भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा। अभी किसान को फंड भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, 6 महीने साल भर मारा है तो खुश है किसान। किसान खुश तो वो कौन है भाई साहब जो बैठे हैं? बैठे हैं भाई, वे मुखालिफ पार्टी बिठा रही है। अच्छा, हाँ, अकेला तुम बैठो ये ऐसा होएगा यहाँ पे? किसने बताया भाई साहब ये बात? आप किसी ने नहीं, दिल से सोचता है, दिमाग तो पढ़ता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है भाई, दिल दिमाग नहीं ले रहे। अच्छा, ये बात तो सोचनी चाहिए ना इंसान को खुद भी। ये बड़े खुश है यार भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो बढ़िया है, सही कह रहे हैं भाई? मैं आप नहीं बोलोगे भाई? मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये देखिएगा, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, जितना भी बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार एक नंबर की सरकार है, मस्त सरकार है। अभी भी पहले रोड पे लोग एजेंटी लेते थे, ला 20 रुपए दे, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, केला 20 रुपए दे, 20 रुपए वो अब तक बंद हो चुके हैं, कोई 20 नहीं लेता। अगर 20 का नाम आता है थाने पहुँच जाओ, थाने पहुँचते पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है इस चीज पे। कार्रवाई होती है? हाँ, तुरंत कार्रवाई होती है। तो पहले नहीं होती थी? पहले क्या कार्रवाई थी, केला लिख के दे जा 10 दिन बाद और 15 दिन बाद आएंगे। एक एक महीना बीत जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब सेकंडों में कार्रवाई है, साथ के साथ कार्रवाई है। मैं बात करूं सपा कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन जी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से प्रदीप जी चौधरी जी हैं। प्रदीप जी है। तो क्या लग रहा है किसका मुकाबला रहेगा और कैसे रहेगा? मुकाबला तो इन दोनों का रहेगा, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी सीट से, ये सच्चाई है। पब्लिक सब समझ चुके हैं इनके बारे में। अच्छा, जो लेक्चर देते थे ना, कह लगा भाई आरडीएल को वोट दो, आरडीएल को वोट दो, आरडीएल को वोट देने के बाद मसला होएगा। भाई साहब आरडीएल तो बीजेपी में भागी, अब आरडीएल का क्या मतलब रह गया बताओ? भाई साहब इतनी बातें कैसे जानते हो आप? भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ावा तो हुआ, मैं तो दिल्ली डीटीसी में ड्राइवर हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली में तो बढ़िया चल रहा है उसका
केजरीवाल जी का उसकी यहाँ बात छोड़ दो, यहाँ तो सिर्फ हम करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे या श्री जी अखिलेश जी की बात करेंगे। तो अखिलेश से क्यों नाराज हैं भाई साहब? इसके अखिलेश से नाराज क्या है, इसलिए है भाई काम नहीं दिखा, लैपटॉप बांट के दिखा दे, लैपटॉप तो क्या करना था हमें। अब योगी जी है देखो कितना धड़ाके तक काम हो रहा है, सारा काम बेहतरीन हो रहा है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं वो नहीं है दादा कोई। भाई मैं था उस टाइम आपका गला पकड़ लिया, बदतमीजी कर दी मैंने आपके साथ। अच्छा। अब ये बदतमीजी खत्म तो हो चुकी, अब इंसान सब बरोबर आ चुके, सब लेवल पर आ चुके। बस एक मिनट, एक मिनट खड़े हो जाइए, क्या नाम हो गया भाई साहब? ना जी नहीं बोलोगे? चलिएगा, ये देखिएगा, फिलहाल लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो बीजेपी जिता दी है भाई साहब। हाँ जी जिता दी है, जिता रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी तरफ से, तो दुआ करूंगा ऊपर वाले से भी। अच्छा। हाँ जी, तो अखिलेश कहाँ जाएगा भाई? अखिलेश तो जो सीटें मिलेगी हार उड़ जाएंगे उसमें चले जाएंगे, देख लेंगे जो होगा। अच्छा। अखिलेश जी को जो उसके नसीब का होगा उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। आपका आपका क्या नाम होगा? आगे आगे इनसे पता करो क्या नाम होगा भाई साहब। भाई साहब से बात करो इनसे। भाई साहब आप तो बोल नहीं रहे हैं यार, भाई केंद्र में अखिलेश थोड़े जा रहा है, ये तो केंद्र के इलेक्शन है ना, लोकसभा के है, लोकसभा में क्या एक सीट काट सकता है, एक या दो सीट काट सकता है अपनी सीट पे, इससे फालतू क्या सीट काटेगा वहाँ के भी, बताओ आप मुझे। बड़े नाराज हैं अखिलेश से आप? नाराज नहीं, खुश हूँ मैं सबसे, लेकिन सच्चाई उगल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई उगल रहा हूँ। हाँ सच्चाई बोल रहा हूँ मैं।